तो गाइस यहाँ पर डाइवर्जन लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल तो गाइस अब हम निकल चुके हैं बेसिकली पंजाब नगर के लिए। पंजाब नगर में काफी बड़ा जो मेला है वो लगता है शिवरात्रि पर। तो ये जो वीडियो है बेसिकली शिवरात्रि की है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। जब आप रामपुर बाईपास पे चलेंगे ना, तो वहां से ही इसके लिए जो रास्ता है वो मुड़ जाता है, मैंने आपको दिखा दिया। और अभी आप ये जो देख रहे हो ये पंजाब नगर है, तो यहाँ से जब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं ना, तब आपको वो जो मंदिर है वो मिलेगा। तो अभी मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ कैसी है यहाँ की मार्केट, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। और आप देख सकते हैं एक अलग ही वाइब है यहाँ पर, लोग मेला देखने ट्रैक्टर में जा रहे हैं, सही बात, बिल्कुल जैसे लोग जाते ही हैं गांव में, आपने देखा होगा सच में, तो वही सेम हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो अभी हम भी चल रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली महादेव के मंदिर पर, और ये है एंट्री गेट जहाँ से अब हम जो एंट्री है वो करने वाले हैं। और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, भीड़ डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर। और ये होता ही है जब भी कोई भी ऐसा त्योहार हो जो शिव जी से रिलेटेड है, तब आपको यहाँ पर इस तरीके की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। तो अभी हम अंदर चलते हैं पार्किंग में, और पार्किंग में अपनी जो बाइक है वो खड़ी करते हैं, और उसके बाद में आगे का जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ। दोस्तों अभी मैं हूँ पातालेश्वर महादेव मंदिर के लिए आए हुए हैं हम, बेसिकली हमें पंजाब नगर में, और लोगों ने यहाँ पर भाई इतनी ज्यादा भीड़ लगा रखी है, और वो रीजन है कि आज महाशिवरात्रि है। और विकास भाई ने बताया कि भाई मैं तुम्हें एक ऐसी जगह घुमा के लाऊंगा कि तुम्हारा मजा आ जाएगा, और रियल में भाई देखकर लग रहा है कि अलग ही जगह है। तो इधर विकास भाई भी है मेरे साथ, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग, जैसे गांव में मेला जाते थे रामलीला का देखने, वैसे हाँ बिल्कुल, मतलब ट्रैक्टर से आ रहे हैं लोग, और एक दिन के लिए मतलब काफी अच्छा लग रहा है, और मौसम भी सही है, हवा चल रही है, और गर्मी का एहसास हो रहा थोड़ा थोड़ा। बाकी भीड़ दिखाएंगे आपको हम, पूरी कोशिश करेंगे अंदर जाने की, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि भाई भीड़ बहुत, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं जल चढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही बात, और आज तो वैसी महाशिवरात्रि है तो आप समझ ही सकते हो भाई हालत क्या हो सकती है। तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। बाकी बाइक हमने खड़ी कर दी है पार्किंग में, अभी हम खड़े हैं। तभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, ये हमारा ओम नागेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने, ये ओम नागेश्वर नहीं है, ये गलत पर्ची है हमारे हाथ में, ये नंदगांव मेला है, लेकिन ये पंजाब नगर का मेला है आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और देख सकते हो आप 4612 बाइक आ चुकी है अब तक, अब 20 रुपए के हिसाब से आज हिसाब लगा लो कितने रुपए आ चुके हैं। तो यहाँ आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर काफी कुछ बिक रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी मिल पा रहे हैं, और भीड़ काफी ज्यादा बढ़िया मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, भीड़ काफी ज्यादा है। यादत आ गए हैं, सही बात है यार। तो सामने हमें शिव जी का जो मंदिर है वो दिख चुका है, इसी मंदिर के लिए मतलब दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और देख सकते हो आप भाई साहब भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। अभी मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना था कि अब थोड़ी भीड़ कम हुई है, तो अगर कम हुई है तो भाई उससे पहले क्या हाल था ये सोचो। सही में यार, तो अब भीड़ काफी कम हो चुकी है, देख सकते हो आप सामने सीधे जाके आप दर्शन कर सकते हो, हमने भी कर लिए हैं दर्शन। ये देख सकते हैं आप, ये द्वार है प्रवेश द्वार, पहले यहाँ पर ये इतने बैरिकेडिंग कर रखे थे, इधर कहीं लाइन होगी, तो आज लोग कांवर भी चढ़ाने आ रहे हैं अपनी जल चढ़ाने बेसिकली। तो अभी हम हो आए हैं फिलहाल मंदिर से, आप देख सकते हो पीछे मंदिर, और इधर खिलौने वगैरह खरीद सकते हो अपने बच्चों के लिए, जैसा लोग कर पा रहे हैं आप भी ये वाला काम कर सकते हो, और खिलौने खिलौने मिल रहे हैं।
गाइस अब हम आ चुके हैं पंजाब नगर से। बेसिकली काफी ज्यादा बढ़िया था वो पूरा मेला और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बहुत ही अलग वाइब थी वहाँ की। अगर आप कभी भी आसपास से हो या फिर मुरादाबाद या रामपुर से तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जा सकते हो। काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे भी पहुंचकर और काफी ज्यादा बढ़िया था। और ओवरऑल बात करें उस मंदिर के बारे में तो काफी ज्यादा फेमस वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव ने अपने जो दर्शन थे वो दिए थे, जिस वजह से वहाँ की जो इतनी ज्यादा मान्यता है और इसी वजह से इतनी ज्यादा भीड़ वहाँ पर रहती है। वरना आप खुद ही सोच सकते हो ऐसे मंदिर तो बहुत सारे हैं बट भीड़ कुछ ही मंदिर पर रहती है। वो इसी वजह से रहती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा खास हुआ होता है जिस वजह से लोग वहाँ पर आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं। फिलहाल मैं अभी बेसिकली जो अपना कोसी रिवर है ना उसके पास में एक रेस्टोरेंट है वहाँ बैठे हैं हम। विकास भाई लेकर आए यहाँ पर हमें, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर बैठ लिया जाए। तो अभी विकास भाई से पूछ लेते हैं विकास भाई को कैसा लगा घूमकर, क्योंकि मुझे वो लेकर गए थे लेकिन मुझे पूछना चाहिए, मतलब विकास भाई को मुझसे पूछना चाहिए लेकिन मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो विकास भाई कैसा लग पा रहा है? काफी अच्छा लग रहा था और हम लोग एक लोकेशन देख रहे हैं कि हमारी कोई और भी वीडियोज आए, प्यारी प्यारी वीडियोज हम बनाते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है मतलब अभी काफी डाउन हो गया था हमारा मामला, मतलब वीडियोज कम आ रही थी। बाकी रही बात मेले की तो मेला भाई काफी अच्छा था और काफी भीड़ थी, काफी भीड़ भाड़ रहती है। आपको पता ही है कि कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनकी मान्यता ज्यादा होती है और साल में तो कम से कम एक बार आदमी वहाँ पे विजिट करता ही है। तो इसलिए हम भी गए थे, यहाँ तक आए हुए थे। आपने पुरानी वीडियो देखी होगी हमारी, एयरपोर्ट वाली आगे आई थी तो वो इस वजह से जो है हम चले गए पास की वजह से, तो काफी अच्छा लगा वैसे तो। सो गाइस बस इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। स्पेशल ट्रेन।